नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कितनी भी पुरानी से पुरानी शुगर की बीमारी हो, शुगर चाहे 380 हो या फिर 480, चाहे इंसुलिन लगती हो या नहीं लगती हो, दोस्तों ये नुस्खा शुगर रोग के लिए काल है। कितनी भी पुरानी शुगर हो उसको सिर्फ 10 दिन में बिल्कुल सही कर देता है ये नुस्खा। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दवा का फार्मूला बताने वाले हैं जिसके सेवन से आपकी इंसुलिन लगनी बिल्कुल बंद हो सकती है, और अगर इंसुलिन नहीं लग रही, ऐसे ही शुगर बढ़ी हुई है, तो भी आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही हो सकती है इस नुस्खे के प्रयोग से। दोस्तों बस आपको करना इतना है कि हमारे द्वारा बताए गए इस औषधि को लेना है, और इन दवाइयों के नतीजे देखने के बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि आप भी इस फार्मूले से बेहतर नतीजे पा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 4 हर्बल दवाइयां लेनी होंगी। पहली है एंटी डायबिटिक पाउडर, दूसरा त्रिफला, तीसरा नोनी, चौथा वीट ग्रास जूसी। तो आइए बताते हैं सीरीज से एंटी डायबिटिक पाउडर। दोस्तों एंटी डायबिटिक पाउडर में हमने आपके लिए ऐसी ऐसी औषधियों को इकट्ठा किया है जो शुगर में एक रामबाण औषधि है। तो लिखिए इस नुस्खे के लिए इनग्रीडियंट, आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए। 50 ग्राम सौंफ चाहिए मोटी, 50 ग्राम सूखा आंवला, 50 ग्राम गुड़मार बूटी, 50 ग्राम सूखी नीम की पत्तियां, 100 ग्राम काली जीरी, 250 ग्राम जामुन की गुठली। दोस्तों ये आपको सामान लेना है, ये आपको किसी भी नजदीकी पंसारी की शॉप से, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं, जो एक एक औषधि डायबिटीज के लिए रामबाण है। आप इसका प्रयोग करके अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं लेने का तरीका चारों का आपको लास्ट में बताऊंगा। दूसरा आ गया त्रिफला रस, जो आयुर्वेद के सही मापदंड के अनुसार आपको बनाना है। आयुर्वेद का सही मापदंड है 1:2:4। आप इसके रस का सेवन भी कर सकते हैं और इसके पाउडर का सेवन भी कर सकते हैं, जिसमें हमने 1 भाग हड़, 2 भाग बहेड़ा और 4 भाग आंवला है। यह सर्दियों में या गर्मियों में आयुर्वेद में बढ़ी हुई शुगर को कम करने के लिए और जिन रोगियों के पेशाब में अधिक शर्करा आती हो उनके लिए सफलता से प्रयोग की गई औषधि है। यह ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के साथ साथ पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकालने की प्रक्रिया को भी बढ़ाती है, जिससे रक्त में इंसुलिन की कमी नहीं आती। तीसरा नोनी जूसी, नोनी एक चमत्कारिक फल है। डायबिटीज में कुछ विशेष प्रकार की जटिलताओं का सामना अक्सर सभी डायबिटीज के मरीजों को करना पड़ता है, जैसे डायबिटिक फुट अल्सर, गैंग्रीन, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी इत्यादि। डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ इन सब समस्याओं में नोनी बहुत अधिक कारगर है। नोनी इम्यून सिस्टम को तेज करता है, जिससे पैनक्रियाज के बीटा कोशिकाओं की कार्य क्षमता में सुधार आता है, और जिससे इन कोशिकाओं से सामान्य इंसुलिन निकलता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है। नोनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित भी करता है, और साथ में डायबिटिक फुट अल्सर के इलाज में भी उपयोग होता है। चौथी औषधि है वीट ग्रास जूसी, वीट ग्रास जूस जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, रक्त के संचरण को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज से होने वाले सुन्नपन में कमी आती है। यह शरीर को एल्कलाइन बनाता है, जिससे कि पैनक्रियाज सही तरीके से काम करती है। दोस्तों जो अभी हमने आपको औषधि बताई कि डायबिटीज को मरीज को इसको 1 से 3 महीने तक अगर लेगा तो उसको पूर्ण आराम आ जाएगा। अब जानिए इनको आपको लेना कैसे कैसे है। सबसे पहले आपको लेना है एंटी डायबिटिक जूस। इसको आपको सुबह जब आप खाना खाएं या शाम को जब भी खाना खाएं, खाना खाने के आधा घंटा पहले 1-1 चम्मच की मात्रा में लेना है, गुनगुने पानी के साथ में। दूसरा आ गया त्रिफला। इसको सुबह शाम 15-15 ml सुबह खाली पेट सोच के बाद और रात को सोते समय 1 कप गुनगुने पानी के साथ लेना है। अगर आप इसके रस का सेवन करते हैं, अगर पाउडर ले तो 1-1 चम्मच ले। अब आती है नोनी और वीट ग्रास जूसी की बात। भोजन के 1 घंटे बाद या फिर 1 घंटे पहले आपको 15-15 ml एक साथ 1 कप पानी में मिलाकर इसका सेवन करना है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शुगर का रोग जितना भी पुराने से पुराना हो या डायबिटीज से रिलेटेड और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, यह सब का इलाज है। आपकी शुगर को बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, बिल्कुल सही कर देता है। तो दोस्तों आप इस नुस्खे को आजमाइए और इस शुगर रोग से छुटकारा पाइए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।